हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस के मैकेनिकल टेक में। आज के इस वीडियो में हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग को रीड करना सीखेंगे। अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक छोटा सा जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है यहाँ पर मैं बनाया हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ दिया हुआ है और यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे नोट किया गया है। ड्राइंग में केवल नॉर्थ का पोजीशन दिया रहता है, बाकी का डायरेक्शन हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग 30 डिग्री में होता है और जो प्लान ड्राइंग होता है वो 90 डिग्री में होता है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर डायरेक्शन पहले देख लेते हैं किस हिसाब से है। यहाँ पर देखिए नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ और ये अप है और यहाँ पे डाउन है। अगर जो इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो न्यूज़ याद कर सकते हैं आप, NEWS न्यूज़। न्यूज़ कभी भी नहीं भूलेगा। अगर जो आप याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं NEWS न्यूज़। और ये अप हो गया और ये डाउन हो गया। अगर जो इसको अपने बॉडी पे अगर जो हम सेट करना चाहते हैं तो सामने की तरफ ये नॉर्थ होगा और पीछे की तरफ साउथ और राइट हैंड की तरफ ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट और अब आपके सर की तरफ ऊपर की तरफ अप हो जाएगा और पैर की तरफ ये डाउन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से बारी बारी से यहाँ से हम पहले ऊपर से हम ड्राइंग को रीड करेंगे और नीचे तक आएंगे, फिर नीचे से भी हम रीड करके ऊपर तक जाएंगे ताकि आपको पूरी तरीका से समझ में आ जाए। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ है और जो ये पाइप है नॉर्थ से ये साउथ की तरफ आया है। यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ है, नॉर्थ से इसका डायरेक्शन साउथ की तरफ है। सेम इसी प्रकार से यहाँ से नॉर्थ से साउथ गया है और साउथ से क्या हुआ है, ये डाउन हो गया है। जैसे कि ये नॉर्थ से साउथ गया और यहाँ से सीधे ये डाउन हो गया, डाउन की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं। और ये डाउन होने के बाद से यहाँ से क्या हुआ है कि ये ईस्ट की तरफ चला गया है। अगर जो ये डाउन हुआ और डाउन से अगर जो यहाँ पे ईस्ट की तरफ जा रहा है तो देख सकते हैं इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ जा रहा है और फिर ईस्ट से ये साउथ की तरफ आ रहा है और साउथ में जाने के बाद से फिर ये डाउन हुआ है और डाउन से फिर ये वेस्ट चला गया है ऊपर से रीड करने पे। तो चलिए अभी हम नीचे से इसको रीड करेंगे। यहाँ से आप ये देख सकते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है जो ये पाइप और यहाँ पे ईस्ट से ये अप हुआ है। अप होने के बाद से फिर से ये नॉर्थ की डायरेक्शन में गया है और नॉर्थ से फिर ये वेस्ट आ गया है और वेस्ट आने के बाद से फिर अप हुआ है, अप से फिर ये नॉर्थ की तरफ चला गया है। अगर जिसमें देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 और 5 पांच एल्बो लगा हुआ है और ये जो पांचों एल्बो है जो ये 90 डिग्री में है और ये बट वेल्ड के द्वारा वेल्डिंग हुआ है। बट वेल्ड का मतलब यानी कि भी ज्वाइंट है। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से हम लोगों का भी मोटिवेशन बना रहता है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।